राजनीति यहाँ पर नहीं है, राजनीति यहाँ पर बात कोर्ट की हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर की हो रही है। खान साहब आप समझ रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किया इसलिए सर्वे हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसीलिए अब उस जगह पर जहां कहा जा रहा है कि शिवलिंग है उसका संरक्षण के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। लेकिन राजकुमार भाटी साहब आप इस पूरे मामले से क्या समझ रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि सीधा सीधा आरोप आपकी सरकार पर भी लग रहा है कि आपके मातहत जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने यहाँ पर गौरी श्रृंगार की पूजा रुकवाई। अगर वो पूजा ना रुकवाई होती तो आज ये 5 महिलाएं कोर्ट के दर पर ना पहुंची होती। देखिए महंत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो कुछ हो रहा है कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। वकील साहब ने उसका स्वागत किया, इन्होंने कहा कि जो न्यायालय करेगा उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सही, देश के जो अच्छे नागरिक हैं उनकी सोच तो यही है, और देश में हिंदुओं का भी बहुमत और मुस्लिम का भी बहुमत, इस देश में शांति चाहता है, कानून का राज चाहता है, संविधान का राज चाहता है। बेशक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को उकसाती रहती है और इन्हें शांति में आनंद नहीं आता, इन्हें उपद्रव में आनंद आता है। ये बार बार जब बाबरी मस्जिद का अयोध्या का मसला चला, दशकों लगे उसमें, झगड़े हुए, दंगे हुए, लोग मरे, संपत्ति जली, आखिर वो सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, तो सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया, कहीं कोई एक पत्थर नहीं चला, कहीं कोई एक नारा नहीं लगा कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, और देश में लोगों ने सोचा कि अब शांति स्थापित हो जाएगी, और हम जैसे लोग भी प्रसन्न हुए कि चलो अब तो मंदिर का मसला निपट गया, अब मोदी जी बेरोजगारी पर ध्यान देंगे, महंगाई पर ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, अब जो थानों के अंदर रेप हो रहे हैं, पुलिस रेप कर रही है बीजेपी के राज में, उस पर रोक लगेगी, लोग बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, स्कूल जाने से बंद हो गया लोगों का। लेकिन अब इन्होंने नया विवाद काशी विश्वनाथ उठा दिया। अगर हम ये भी सोच लें कि चलो काशी निपट जाएगा तो शांति स्थापित हो जाएगी, अगर इस बात को लेकर प्रसन्न भी हों कि चलो मोदी जी फिर तो बेरोजगारी पे, महंगाई पे ध्यान देंगे, फिर तो गरीबी पे ध्यान देंगे, लेकिन इन्होंने फिर अब ये मथुरा का भी मसला उठाएंगे, और इनके पास तो लंबी सूची है। इसका अर्थ ये है कि चाहे कानून प्रयास करे, चाहे न्यायालय प्रयास करे, चाहे देश प्रयास करे, लेकिन ये देश में शांति नहीं चाहते। लगभग 1.5 मिनट, इन्हें आनंद नहीं आता शांति में। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, आपने मेरे सवाल का जवाब तब भी नहीं दिया, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ लूं। अगर आपके मातहत आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन माता गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना जो हर रोज होती थी, प्रतिदिन होती थी, उस पर रोक ना लगाते, तो आज ये महिलाएं अदालत के दर ना जाती। इसका जवाब आपको अभी मीडिया में चल रहा है बयान काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय जी का, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1992 से पहले मस्जिद के अंदर हिंदू खूब जाते थे बेरोक टोक, हम खुद जाते थे, वहां पर दुकानें तक थी, कोई विवाद नहीं था। जब ये 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तब दोनों वर्गों में थोड़ा सा मतलब आपस में विद्वेष पैदा हुआ, एक भरोसा कम हुआ, तो भरोसा तब से ही विवाद पैदा हुआ, तो भरोसा और जो आप कह रही हैं कि हमारी सरकार ने, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपकी सरकार उसी पर मुलायम सिंह ने तो इस देश के लिए कुछ किया है, मुलायम सिंह ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुलायम सिंह के नाम मत लीजिए क्योंकि आप लेने लायक नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।